हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे रीड करते हैं वर्नियर कैलिपर को, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर की खोज किसने की एंड वर्नियर पढ़ते समय लीस्ट काउंट का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको वर्नियर के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Mac. चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं what is vernier caliper. Vernier caliper is a measuring instrument which used to measure the distance between two linear points having least count is 0.02 mm. तो दोस्तों वर्नियर दो पॉइंट की दूरी को मापने के लिए काम आता है जिसका लिस्ट काउंट 0.02 mm है। इट मीन्स ये कम से कम 0.02 mm की दूरी को मेजर कर सकता है। द फाउंडर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मिस्टर पीरे वर्नियर। ही वाज मैथमेटिशियन इन फ्रांस। ही इन्वेंटेड वर्नियर कैलिपर इन 14 सितंबर 1638 यानी 14 सितंबर 1638 में मिस्टर पीरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर की खोज की। पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। दोस्तों वर्नियर कैलिपर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इनके बारे में जानते हैं। अगर आपको स्मार्ट स्किल डेवलप करके करियर में ग्रो करना है तो प्लीज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब इन गुड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। पूरी को इसको बोलते हैं फिक्स जा, क्योंकि ये फिक्स है, एक तरह का जबड़ा है ये फिक्स। उसके बाद में ये है मूवेबल जा है, इनको हम क्या बोलते हैं इनसाइड जा। क्या बोलेंगे इनसाइड जा। ये दोनों जा क्या बन जाएगी फिर आउटसाइड जा, इसको बोलेंगे हम लॉकिंग स्क्रू। ये है हमारी दोनों वर्नियर स्केल, ठीक है, और ये आपकी रहेगी मेन स्केल। और जॉब की गहराई को चेक करने के लिए डेप्थ बार का प्रयोग किया जाता है। और ये किस चीज अब जानते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन स्केल डिवीजन कितने हैं 49, तो 49 देख लेते हैं। साथ में मैं यहाँ रख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 49 है, तो ये देखिए 50 है और ये 49, ये जो मैंने निशान लगाया ये कितने हैं 49। फिर है वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं 50, तो ये देखिए 10 जो लिखा हुआ है ना, तो ये जो लाइन जो है आपकी वो पूरी कितनी है 50 है। तो कैसे आपको मैं समझा सकता हूँ, ये देखिए 0 से लेके 1 के बीच में 5 लाइन है। काउंट कर लेते हैं एक बार 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये यहाँ तक कितने हैं 10 है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। तो इसका ये देखिए यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारे कितने हैं 50, तो बराबर कितने हो गए आपके 49/50। एक भाग है वो माइनस में है जो मैंने यहां पे ले लिया है, ठीक है 50। अगर 1 को अगर 50 से भाग देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट कितना आएगा 0.02 मिलीमीटर्स। तो ये मैं बता देता हूँ 1 mm का कितना भाग चेक करेगा, ये 50वां भाग चेक करेगा क्या। और इस लिस्ट काउंट को वर्नियर को रीड करते समय किस तरीके से यूज किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। फ्रेंड्स इफ यू वॉचिंग रेडीमेड पेड वीडियोज देन नो यूज फॉर इट, बिकॉज बाई वॉचिंग रेडीमेड पेड वीडियो डाउट्स आर नॉट क्लियर, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड मनी, सो प्लीज ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। चलिए फ्रेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। इसको समझाने के लिए हम पेन एंड पेपर का यूज करेंगे, सो प्लीज लेट वी कंटिन्यू। स्टेप 1 मैच द 0-0 ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल।
इसका मतलब यही चेक करना होता है कि ये देखना कि इसके दोनों मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक के ऊपर एक बिल्कुल मैच कर रहे कि नहीं कर, ये बिल्कुल परफेक्टली सही सही नापेगा। तो अगर आप इस टाइम आप देख सकते हैं कि इसका जो जीरो जीरो है, ये जो दोनों जीरो जीरो है, ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये देखिए ये और ये, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की एरर नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए स्टेप टू में। तो स्टेप टू होता है लॉकिंग द रीडिंग। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले स्टेप में देखा था, हमने इसका जीरो से जीरो मैच करवाया था। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसकी रीडिंग को लॉक कर रहे हैं। जैसे हमने ये जॉब पकड़ी, जॉब पकड़कर हमने इसकी डाया लेके, ये देखिए एक हाथ से हमने, नॉर्मली क्या होता है वर्नियर कैलिपर से जब भी रीडिंग लेते हैं हम केवल एक हाथ से ही उसको पकड़ने के बाद इसको यहां से हम इसे कस देंगे। देखा दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक हाथ के उससे कसने के बाद इसकी रीडिंग हिलेगी नहीं। इसको हमने यहां से इस वाले लॉकिंग नट को कस दिया है, यानी अब ये जो हमारी रीडिंग है ये चेंज नहीं होने वाली है। अब इसके आगे की रीडिंग हम इसी हिसाब से चेक करने वाले हैं। अब हम इसके आगे समझते हैं कि अब हमने इसको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने का स्टेप थ्री होता है कि जो उसकी रीडिंग को लॉक करने के बाद हमें जो उसकी मेन स्केल की रीडिंग है कंप्लीट, वो उसको नोट कर लेना है। तो अभी देखते हैं कैसे। थ्री, हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि जीरो से पहले 43 तो पूरे पूरे एमएम मेन स्केल के है ही हैं। तो यानी इसको हम नोट कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है 43 एमएम जीरो से पहले पहले कंप्लीट वाले जो है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं मेन स्केल रीडिंग 43 mm। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कर लेने का स्टेप फोर है चेक द लाइन विच इज मैचिंग। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप फोर में हम क्या करते हैं, जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है उसके वो दो खाने ढूंढते हैं जो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे पर मैच कर रहे हो। तो अब इस लिए बिल्कुल, तो अगर आप यहां शुरू में देखें तो यहां से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल मैच नहीं हो रही। और जैसे ही ये रीडिंग चार के पास आती है, चार का देखने लगता है कि भाई अब ये मिलनी शुरू हो रही है। आप यहां देखें 1, 2, 3, 4 ये वाला खाना अगर आप देखें तो इसको आप कह सकते हैं या फिर आप इस खाने को भी कह सकते हैं बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप कहें कि चौथे के इस चार वाले पॉइंट के बाद आपको 1, 2, 3 ये मिलता हुआ दिख रहा है या ये तीनों में कंफ्यूजन रहेगी, ये तीनों में से कौन सा है। कि जब आप ऊपर से देखते हैं और आपको कोई तीन रीडिंग बिल्कुल मैच करती हुई दिखती है तो आप क्या करें, अगर आपको ये भी मैच करती लग रही है, ये भी मैच करती लग रही है या ये मैच करती लग रही है, या फिर अगर आप कहेंगे कि ये भी मैच नहीं करती हुई, नहीं समझ में आ रही, तो आप यहां से देखिए ये ये और ये तीन रीडिंग बिल्कुल मैच करती हुई मिल रही है। तो जब भी ऐसा हो कि कोई तीन रीडिंग मैच करती हुई मिल रही है तो आप उसका बीच वाला पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये वाला। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जब ये तीनों मैच कर रहे थे लेकिन हमने इधर को भी नेगलेक्ट करा, इधर को भी नेगलेक्ट करा, हमने कहा ये वाला बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहा है। तो इस खाने को हम गिन लेंगे कि कौन सा खाना एज इट इज ये मैच कर रहा है। तो यहां से कैसे गिनेंगे इसको, देखिए ये पांच खाने हैं यहां से यहां तक, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक 10 यहां तक 15 यहां तक 20 20 के बाद देखिए 21, 22, 23 और ये हमारा 24वां खाना। तो अगर हमारे हिसाब से ये तीन खाने थे और ये बिल्कुल बीच वाला खाना है जो हम मैच कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, 24वां खाना। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि वर्नियर पैमाने के एक खाने की वैल्यू 0.02 mm होती है जो इसकी लीस्ट काउंट है, और हमें पता है 24वां खाना उसका मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 24 खाने में वो कितना नाप रहा है, 0.02 mm इंटू 24 खाने, यानी कि एग्जैक्ट 0.48 mm। तो मेन स्केल का जो रीडिंग है 43 पॉइंट, जो हमने अभी इसको निकाल के देखा 24 खाना जो मैच कर रहा था वर्नियर का, वो नाप रहा है 0.48 यानी 0.48। तो दोस्तों आपने देखा, तो दोस्तों आपने देखा हमने वर्नियर के लिस्ट काउंट का प्रयोग करते हुए वर्नियर से एक एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकाली। यू ज्वाइन आवर कंप्लीट एडवांस ट्रेनिंग कोर्स एज शोन इन टेम्पलेट, देन जॉब गारंटी इज 100% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। If any guys interested can contact on the number given on screen. Thank you.